Hello to hpsc pgt कंप्यूटर साइंस सब्जेक्टिव पेपर आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे प्रिपेयर करना है सब्जेक्टिव पेपर को ये डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के भी मैं कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपेयर करेंगे ठीक है तो देखिए पहले सब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे सब्जेक्टिव को एक चीज बता देता हूँ कि अभी एचपीएससी का एक पेपर हुआ था जिसमें पैटर्न बताया गया था कि किस तरह के पैटर्न उसमें मतलब एनालाइज किया गया था कि किस तरह का पैटर्न वहां पे आ रखा था वो सब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ था उसमें राइट तो वो पैटर्न भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अभी अभी के लिए नॉर्मली पैटर्न में क्या रहेगा देर विल बी द दिन नंबर ऑफ क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन क्या होगा टेन मार्क्स का रहेगा टेन मार्क्स का रहेगा इसमें से फिफ्टीन क्वेश्चन को अपने को अटेम्प्ट करना होगा ठीक है इनमें से 15 अपने को अटेम्प्ट करने हैं थ्री अपने पास ऑप्शनल रहेंगे जो भी हमें ठीक लगे कर सकते हैं अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ कि एचपीएससी का जो पैटर्न रहा है अभी जो सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट किया गया है उसमें देखिए नॉर्मली हमें लग रहा था कि जो क्वेश्चन आएगा वो टेन मार्क्स का आएगा और एक ही बड़ा क्वेश्चन बनेगा लेंथी क्वेश्चन बनेगा बट ऐसा नहीं था अभी जो पैटर्न था जो सब्जेक्टिव का पैटर्न दिखाया गया था उसमें उसमें ये था कि क्वेश्चन मिलेगा उसमें पार्ट्स मिलेंगे जैसे कि पार्ट्स ए पार्ट ए में क्या होगा मान लीजिए टू मार्क्स का क्वेश्चन है पार्ट बी टू मार्क्स पार्ट सी दैट इज थ्री मार्क्स एंड पार्ट डी दैट इज ऑल्सो थ्री मार्क्स टोटल इट इज टेन मार्क्स

तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हो सकते हैं वो टेन मार्क्स में अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं अदरवाइज क्या पूछ लेगा स्मॉल पूछेगा तो राउंड रॉबिन से रिलेटेड पूछ लेगा प्रायरिटी शेड्यूलिंग क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए राइट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए विद विद एग्जाम्पल कह सकता है राइट right? तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं टेन मार्क्स में पूछा जाए तो इकट्ठा इस तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है उसके अलावा देखिए ये ये वाला क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन भी क्या होगा टेन मार्क्स में रहेगा अगर एक बड़ा क्वेश्चन बनता है लार्ज क्वेश्चन बनता है तो टेन मार्क्स में ये आ जाएगा डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नॉन डेटरमिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज एन एफ ए इंटू एन इक्विवेलेंट डेटरिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज एफ ए मतलब एन एफ ए को क्या करना है कन्वर्ट करना है डी एफ ए में ये अपने को बताना है राइट तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है टेन मार्क्स का आ सकता है फर्दर इसमें अगर पार्ट करके पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है एग्जाम्पल दे बताइए राइट कंस्ट्रक्ट डीएफए स्टार्ट विद ए ए से जो डीएफए स्टार्ट होगा राइट uh, वो कंस्ट्रक्ट कीजिए तो इस टाइप से क्या होगा मतलब डीएफएक्शन आपसे करा सकते हैं एंड सो ऑन क्वेश्चन देने को बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मैं काफी सारे क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आपको करवाने वाला हूँ राइट right? uh, हम रेगुलर क्या करेंगे दो तीन दो तीन क्वेश्चन रेगुलर करेंगे जिससे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये चीजें भी मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द पैकेट स्विचिंग प्रोसेस एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम सर्किट स्विचिंग राइट पैकेट स्विचिंग कैसे डिफर रहेगा सर्किट स्विचिंग से Uh, किस कॉन्टेक्स्ट में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे ये डिफर करेगा ये क्वेश्चन भी क्या आ सकता है टेन मार्क्स में आ सकता है राइट right? ये फॉर एग्जांपल के लिए क्वेश्चन उठा रखे हैं ऐसा मत समझना कि हंड्रेड परसेंट यही आ जाएगा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं तो टेन मार्क्स में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन अब टेन मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है स्मॉल लेवल पे पूछेगा तो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है राइट right? uh, ये जो सर्किट स्विचिंग है इसका कॉन्सेप्ट क्या है डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है लाइक like दैट तो क्वेश्चंस क्या किया जा सकता है इस तरीके से पूछे जा सकते हैं शॉर्ट पार्ट पार्ट बना के भी पूछे जा सकते हैं और कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो ये क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड नेक्स्ट इज दैट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन हाउ डज ट्राई एक्सेप्ट ग्लोक हेल्प इन हैंडलिंग द एरर्स एंड प्रिवेंटिंग द प्रोग्राम राइट right? तो ये क्वेश्चन है ये पाइथन से रिलेटेड कैन बी ऑफ टेन मार्क्स ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इसी को क्या किया जा सकता है, है? ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में एक्सप्लेन कीजिए एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है इसको एक्सप्लेन कीजिए लाइक like दैट तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड करके ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये मैंने पैटर्न बताया कि एस ने हाल फिलहाल में एक सब्जेक्टिव टाइप का पेपर लिया था जिसमें इस तरह का पैटर्न था ठीक है तो जरूरी नहीं है कि टेन मार्क्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है अब कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम लग रही थी पाइथन को लेके कि पाइथन में बड़े बड़े प्रोग्राम्स दे दिए तो क्या करेंगे नहीं ऐसा नहीं होगा बहुत बहुत रेयर चांस है कि टेन मार्क्स का कोई बड़ा सा प्रोग्राम दिया जाएगा टेन मार्क्स का इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं दिया जाएगा बल्कि स्मॉल जैसे मैंने बताया था ना पार्ट में, टू टू में थ्री नंबर में ऐसे क्या होगा स्मॉल प्रोग्राम आ सकता है छोटे लेवल का बट बड़ इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं आएगा तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि आपको हैक्टिक होने की जरूरत नहीं है आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं क्या होगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला और सेकंड थिंग थोड़ा सा क्वेश्चंस uh, का व्यू जो रहा था कि जो पेपर हुआ था उसमें भी ये था कि क्वेश्चन लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं लग रहे थे उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताया जा रहा था तो उस चीज को लेके भी अपने को थोड़ा सा ये रहेगा कि ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिए जाए देखिए क्वेश्चन जब पेपर जब सेट किया जाता है तो उसके तीन लेवल होते हैं हाई लेवल क्वेश्चन और मॉडरेट मो, लेवल के क्वेश्चन और लो लेवल के राइट तो लो लेवल भी रहेगा वहां पे मॉडरेट लेवल भी आ सकता है और हाई लेवल का आ, मतलब रेशियो भी वहां पे रहेगा ठीक है इस टाइप से रहेगा तो ये मेजर हमने सब्जेक्टिव के बारे में बात की है और सब्जेक्टिव में क्या करना पड़ेगा एक चीज बता देता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को इस चीज को लेके भी प्रॉब्लम है कि हमने तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी की थी और ऑब्जेक्टिव की तैयारी से क्या सब्जेक्टिव पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा एक चीज बताता हूँ अगर आपने ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन एक अच्छे ढंग से की है देखिए मेरा जो टीच करने का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव के केस में भी मैंने मेजर जो स्ट्रेस किया है वो कॉन्सेप्ट पे दिया है कि कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो वो आपको चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दे दे चाहे आपको सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दे दे आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर पाएंगे बस सब्जेक्टिव में क्या फर्क रहेगा सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो सब बातें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस तरीके से क्या बातें आपको फॉलो करनी होगी ये सब मैं बताने वाला हूँ बट सब्जेक्टिव में एक तो ये होगा कुछ बातों का ध्यान रखेंगे प्लस में हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हम क्वेश्चन को टाइमली अटेम्प्ट कर पाए एक प्रिसाइज और कॉन्साइस मैनर में हम क्या कर पाए उसको अटेम्प्ट uh, कर पाए तो कुछ बातों का वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रोंग है तो ऑब्जेक्टिव तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे और ऑब्जेक्टिव आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रोंग बनाते हैं तो ऐसा मत समझ लेना कि ऑब्जेक्टिव किया है तो सब्जेक्टिव आप नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली आप सब्जेक्टिव कर पाएंगे लेकिन अगर आपने जस्ट क्वेश्चन लगाए हैं और वहां से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और आपने जस्ट क्वेश्चन लगाए हैं वो 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 सही पैटर्न नहीं है वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है तो मेरा जो पैटर्न है वो कॉन्सेप्ट का रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कॉन्सेप्ट अगर ढंग से किया तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दो चाहे सब्जेक्टिव टाइप का दे देना चाहे ऑब्जेक्टिव का आप दोनों कर पाएंगे डेफिनेटली कर पाएंगे ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सेवेंटी टू एटी परसेंट जो ऑब्जेक्टिव में आपने किया है वो आपको काम आने वाला है ठीक है तो ये रहेगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ सकती है देखिए ऑब्जेक्टिव में दो तरह के पैटर्न हैं केवीएस प्लस जो गेट और नेट कुछ सब्जेक्ट हैं जो गेट और नेट से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट रहेंगे और कुछ सब्जेक्ट हैं वो केवीएस पैटर्न पे रहेंगे तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी इनकेस अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो केवीएस वाले में जो केवीएस पैटर्न पे है उनमें एनसीआरटी लेवल और केवीएस लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी जा सकती है और यहाँ पे नेट या गेट लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी भी जा सकती है इन केस ऑब्जेक्टिव होता है तो सब्जेक्टिव में तो क्या होगा सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा तो लिखने वाली बातें ही ज्यादा रहेंगी सब्जेक्टिव में एक पैटर्न है कुछ नेट के प्रीवियस पेपर हुए थे जिसमें क्या होता था सब्जेक्टिव टाइप का नेट होता था ठीक है तो वहां से कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं Uh, वो क्वेश्चन आपके लिए ठीक हो सकते हैं वहां पे छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे स्मॉल लेवल के और लार्ज uh, क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे वो कुछ बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकते हैं तो ये भी हम करने वाले हैं हमारे कोर्स में ठीक है तो अपने कोर्स में ये भी रहेगा अब देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है आपको कैसे सब्जेक्टिव पेपर को अटेम्प्ट करना है फर्स्ट थिंग आइदर इट इज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होता है तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट 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 इसके बाद क्या रहेगा थिंग इज प्लान योर टाइम मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद आप टाइम को थोड़ा सा प्लान कीजिए आप सोचिए सोचना क्या है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में आपको क्लिक कर जाएगा ब्रेन में कि हाँ इतना टाइम मैं इस क्वेश्चन को करने में दूंगा ठीक है तो अपना टाइम प्लान कीजिए कॉन्फिडेंस से आप स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आउटलाइन योर आंसर आंसर को आउटलाइन करते जाइए राइट आंसर को क्या कीजिए आउटलाइन कीजिए ये मेजर पॉइंट है क्लियर एंड आप जो भी लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए कौन होना चाहिए राइट आप जो भी लिख रहे हैं वो क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए और दूसरा कॉन्साइज होना चाहिए आप बुलेट्स पॉइंट्स का यूज करेंगे और डायग्राम्स का भी यूज कीजिए डायग्राम्स बनाइए बुलेट्स पॉइंट्स दीजिए वहां पे राइट तो ये आप फॉलो करेंगे गिव एन जब भी कोई क्वेश्चन होगा वहां पे ट्राई कीजिए एग्जाम्पल देने की ट्राई कीजिए ठीक है अगर आप देंगे तो एग्जामिनर पे क्या होता है एक जो चेक उस पर एक बेटर इंप्रेशन जाता है इन चीजों का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक बेटर आपकी राइटिंग अच्छी है वो भी एक अच्छा इम्पेक्ट डालेगा चेक कर पे चेक चेक करने वाले पर्सन पे ठीक है नेक्स्ट क्या होगा मैनेज योर टाइम। एग्जाम जब क्वेश्चन के में है तब भी आप थोड़ा सा सोचिए टाइम के बारे में overwriting. Overwriting को करना है. आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पेज भरते गए भरते गए थिटिकली लिखते गए नहीं ओवर राइटिंग नहीं करनी है क्लियर और कॉन्साइज आपको रखना है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देनी है क्रीम क्रीम चीजें आपको उसमें लिख के आनी है उससे रिलेटेड ठीक है स्टिक पे आपको क्या करना है स्टिक रहना है जो भी पॉइंट है उसको क्लियरली आपको एक्सप्लेन करना है और एक चीज ये है कि ये एक दिन में नहीं आ जाएगा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट right? तो आ, हमारे कोर्स में हम क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं इवन हम बेसिकली नॉर्मली भी कॉशन्स आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे आ, जो कि प्रैक्टिस के लिए रहेंगे बट अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भी मैं बता देता हूँ कि हम कोर्स में रेगुलर क्या करने वाले हैं दो या तीन क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रिलेटेड करने वाले हैं जो कि सब्जेक्टिव टाइप्स के रहेंगे इवन वी विल कवर द ऑब्जेक्टिव टाइप्स आल्सो ऑब्जेक्टिव्स को मैं मिस नहीं करने वाला मैं दोनों को ही कवर करूंगा वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व कराने वाला हूँ वहां पे मैं सब्जेक्टिव्स को भी कवर कराने वाला हूँ ठीक है तो दोनों को ही ध्यान में रख के करना है अपने को और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी उस केस में राइट और क्वेश्चंस को बनाने में, में मेरा एक्सपीरियंस भी रहेगा राइट सिक्स ईयर मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का और जो मैंने मतलब अचीवमेंट ली है जो टेस्ट मैंने क्वालिफाई किए हैं उस उससे भी मुझे एक कॉन्फिडेंस है और उसको लेके मुझे एक तजुर्बा भी है कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से ठीक है तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं हमारा कोर्स है वो देख सकते हैं अचीवर्स की ऐप पे जाके आप कोर्स देख सकते हैं उसके अलावा आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं यू आर वेलकम आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं राइट एक रीजनेबल कॉस्ट आप पे आपको एक हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है तो कॉस्ट हमारी रिजनेबल रहेगी और कंटेंट की बात करें तो मैं गारंटी लेता हूँ एक बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट में कोई कमी नहीं आने वाली है ठीक है तो ये था मेरे एंड से थोड़ा सा सब्जेक्टिव का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव का क्या रहेगा ये सब बातें ओके okay, दोस्तों फिर किसी भी तरह की अगर आपको डाउट है पीजीटी कंप्यूटर साइंस को लेके राइट right? कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए तो हम आपकी उसमें मदद करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी राइट right? आप अचीवर्स अकेडमी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां से आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी ओके सो ठीक है फिर शेयर कीजिए इस इस वीडियो को शेयर कीजिए और वी कैन से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें ठीक है तो आज के लिए फिर इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है थैंक्स टू ऑल ऑफ यू